डाउट है? ठीक सर। है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द सिस्टम यूनिट स्टेप इनपुट इज 0.1। तो स्टेडी स्टेट एरर दे रखा है मेरे को यूनिट स्टेप का, और स्टेडी स्टेट एरर को डिटरमाइन करवा रहा है फॉर द सेम सिस्टम फॉर द पल्स इनपुट शॉन बिलो, जिसका पल्स इनपुट आपको यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है। इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइप जीरो सिस्टम है, तो इसका जो इनपुट रहेगा टाइम रेस्पॉन्स के अंदर, वो इनपुट क्या हो जाएगा? ये इनपुट आपका हो जाएगा आर टी इज इक्वल्स टू 10, बिकॉज ये 10 मुझे दिया हुआ है, यू टी माइनस यू ऑफ टी माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 दिया और ये आपका जीरो वाला पॉइंट है। इस जीरो के लिए तो आया यू टी और इस 3 के लिए आया यू ऑफ टी माइनस 3। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 10 स्टडी स्टेट एरर निकालने की बात चल रही है यहाँ पे, स्टडी स्टेट एरर 10। यू टी का स्टडी स्टेट एरर कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.1, तो कितना लिख दूंगा यहाँ पे मैं 0.1। माइनस में यू ऑफ टी माइनस 3 है तो ये भी स्टेप इनपुट, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0.1। तो 0.1 माइनस 0.1 कितना होता है, जीरो। अब जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टडी स्टेट एरर का, जीरो। तो स्टडी स्टेट एरर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर? यस सर। हो गया है ये वाला क्वेश्चन? अब कोई डाउट है इसमें भी? सर यूटी लेके क्यों किया सर इसको, मतलब इसका निकालो ना, ये क्या यूटी? हाँ। यूटी माइनस 3 और ये अच्छा। किससे मल्टीप्लाइड है, गेन कितना दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 10 इनटू यूटी अच्छा। माइनस यू ऑफ टी माइनस 3। तो इससे निकाल लेंगे अपन, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या सर इसके अंदर, वो ये वाला क्या नाम है यूनिट स्टेप का होता है ना सर, 1/1 KP। वो तो बेटा डायरेक्ट दे रखा है ना, स्टडी स्टेट एरर आपको दे रखा है ना। अच्छा, स्टडी स्टेट वो वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे, जब हमको स्टडी स्टेट एरर निकालना होगा। यहाँ तो मुझे स्टडी स्टेट एरर डायरेक्ट दे रखा है। ओके सर, ये रहा ना आपका स्टडी स्टेट एरर, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत आ रही है अपन को? यहाँ तो हम डायरेक्ट बोलेंगे स्टडी स्टेट एरर इज इक्वल्स टू 0.1 फॉर स्टेप इनपुट। ये भी स्टेप है, ये भी स्टेप है, दोनों स्टेप ही तो हैं, बस ये चालू हो रहा है जीरो से और ये वाला चालू हो रहा है थोड़ा सा 3 बाद से, तो दोनों के एरर 0.1 0.1, दोनों को माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा आंसर। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करा था आपने, होमवर्क के लिए दिया था ये भी मैंने, डिटरमाइन द स्टडी स्टेट एरर फॉर यूनिट स्टेप। आंसर कितना आएगा, फिफ्थ वाले का 0 0 0 0 0 जीरो आएगा जी, 0.1 माइनस 0.1 जीरो होता है ना। यस सर। देखो इसका ग्राफ अगर बनाना चाहेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा ये भी बता देता हूँ। जैसे सपोज ये ग्राफ मैंने बनाया, ये आपकी वैल्यू 1 है, ठीक है, जहाँ पर आर टी आपका क्या है, आर टी इज इक्वल टू आपको देखा है यू टी, और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये वाला जो एरर है, ये वाला वो एरर जो है ये 0.1 है। सिमिलरली यू टी माइनस 3 के लिए जो बनेगा ये आपका वही 1 है, और यहाँ पे यू टी सॉरी आर टी इज इक्वल्स टू क्या है, ये है यू टी माइनस 3। ये थोड़ा सा बाद से चालू हो जाएगा, बस कहाँ से 3 से चालू हो जाएगा, और ये एरर कितना है, ये एरर भी 0.1 है। तो जब ये एरर 0.1 है, ये एरर 0.1 है, दोनों को मेरे को सॉल्व करना है, इसको और इसको, ये दोनों माइनस में होते हैं तो 0.1 माइनस 0.1 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब हो गया क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ। इसमें स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है यूनिट स्टेप इनपुट का। ऑप्शंस दे देता हूँ आपको, कोशिश करो कि आप कर सको, ऑप्शंस में प्रोवाइड कराता हूँ। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, सेकंड है आपका 0.2 बी है ना, सी है आपका 0.5 एंड डी है आपका इन्फिनिट।
आ रहा है किसी को ये क्वेश्चन? आ रहा है या बताऊं? सर बता दो। सर नहीं, नहीं आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में स्टडी स्टेट एरर क्या होगा? स्टडी स्टेट एरर इज इक्वल्स टू लिमिट लिमिट एस टेंस टू जीरो, ठीक है, एस इंटू आर एस होगा ये, इंटू वन माइनस सी एस अपॉन आर एस। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर, यही पढ़ा था हमने। यस सर, डेरिवेशन की थी। बिल्कुल डेरिवेशन किया था। अब मुझे ये बताओ, अगर ये स्टेप है आपका तो आर एस की जगह क्या आ जाना चाहिए? वन बाई एस। बिल्कुल, तो ये एस तो एस रहेगा, ये आर एस की जगह क्या आ जाएगा? वन अपॉन एस, ये आपका वन है, माइनस सी एस बाई आर एस नहीं निकाल सकते हो क्या ट्रांसफर फंक्शन इस क्वेश्चन को देख के? सिग्नल फ्लो डायग्राम से निकाल सकते हैं ना सर, वो इजी पड़ेगा। बिल्कुल, जो आपको अच्छा, अगर आप ब्लॉक डायग्राम से निकालना चाहो तो बेशक ब्लॉक डायग्राम से निकालो। If you want to solve this to signal flow graph, तो signal flow graph से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया hint, तो s s रहेगा, one by s रहेगा, one रहेगा, minus में जो आप यहाँ पे value निकालेंगे उसको यहाँ डालो, उसके बाद solve करो, ठीक है? अब दो मिनट और दे रहा हूँ, फटाफट इस question को करके देखो। ये हटा दूँ, erase कर दूँ इसको? नोट डाउन कर लिया तो इरेज कर दूं? क्या आया ट्रांसफर फंक्शन? सर इसका आंसर 0.5 आएगा क्या? स्टडी स्टेट का बिल्कुल 0.5 है। यस सर, आंसर इज 0.5। वैसे ही निकाला जैसे मैंने बताया? यस सर। बहुत बढ़िया। ये ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था? 2 अपॉन s प्लस 16। 2 अपॉन या 8 अपॉन? एक मिनट सर। जल्दी बताओ।
यस सर, 2 अपॉन s प्लस 16 ही आ रहा है। अरे सो आप 1 माइनस 8 अपॉन s प्लस 16 को सॉल्व करके बता रहे हो क्या? नहीं सर, इसका ट्रांसफर फंक्शन बता रही हूँ, क्लोज लूप। 2 अपॉन s प्लस 16, अगर अपन 1 माइनस में 2 अपॉन s प्लस 16 लिखते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट लग जाएगा और ये तो s और 1 अपॉन s कट जाएंगे आपस में, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब सॉल्व करोगे तो x प्लस 16 माइनस 2 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 14 और अपॉन बचेगा s प्लस 16। इसमें जब लिमिट डालोगे s इज इक्वल टू 0 तो 14 अपॉन 16, 0.5 कहाँ आया? ट्रांसफर फंक्शन आएगा 8 अपॉन s प्लस 16। चेक करो वापस से, आंसर तो तुम्हारा ठीक है लेकिन ट्रांसफर फंक्शन गलत आ रहा है। नहीं, हमारे पास की वैल्यू आएगी kp की, एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टडी स्टेट का आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, kp की वैल्यू पे कहाँ पहुँच गए आप? जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, लिमिट s टेंस टू 0 s आर एस इंटू 1 माइनस सी एस बाई आर एस, ये तो स्टडी स्टेट का, इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट स्टडी स्टेट एरर आएगा। और जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, कैसे सॉल्व किया है इसको, सिग्नल फ्लो बना के सॉल्व किया है। चलो आप देखना, मैं आगे चलता हूँ। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, ये हमारे पास आएगा 8 अपॉन x प्लस 16, ठीक है, इसको 1 माइनस करेंगे और ये s आर एस था, s भी 1 अपॉन s, वो सॉरी s तो s है, आर एस 1 अपॉन s है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा। सर आप यूनिट स्टेप इनपुट में वो वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, ई एस स्टेडी स्टेट एरर टू 1 अपॉन 1 प्लस केपी होता है ना? बिल्कुल होता है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करें, केपी कहां से निकालोगे? सर केपी आ जाएगा ना, वो फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 इनटू जीएस, हम जीएस निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। ओपन लूप गेन कैसे निकालोगे बेटा? सर क्लोज लूप आ जाएगा, तो क्लोज लूप से ओपन लूप तो निकाल सकते हैं ना। कैसे? सर मैंने एक मेथड देखा था कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो आता है क्लोज लूप का, उसका जो न्यूमिनेटर होता है उसको सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो ओपन लूप आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर आंसर गलत आ रहा था मेरा, 0.7 आ रहा था शायद, 7 आ रहा था, 0.7 स्टेडी स्टेट। उसमें 1 अपॉन केपी भी तो करोगे फिर? हाँ, 1 अपॉन 1 प्लस केपी करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस केपी। हाँ तो आंसर गलत आ रहा था, चेक कर लेना एक बार वापस, किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम ही आएगा, वापस चेक कर लेना। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं आएगा तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम समझाया आपको, कोन शेप होती है ना कोन, ये सामने ले ली, ठीक है। अब इस कोन को आप उल्टा खड़ा करो, सबसे पहले सी वाला पार्ट देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट उल्टा खड़ा करो, क्या ये कभी खड़ा रहेगा? क्या नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लेटा दूं तो ये लुढ़क भी सकता है और वहां रुक भी सकता है, तो मैं इसको न्यूट्रल बोलूंगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो क्या ये बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में रहेगा? यस सर। तो इस तरीके की चीजों को, मतलब ये मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है आपको ये समझाने के लिए कि स्टेबिलिटी होती क्या है। मतलब आपका जो सिस्टम है अगर वो प्रॉपर चल रहा है, दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी। अगर वो आपका सिस्टम ऐसे है कि चेंज भी हो सकता है नहीं भी, तो न्यूट्रल कंडीशन हो गया, पर ऐसा है कि वो तो कभी खड़ा रहेगा ही नहीं, तो अनस्टेबल हो गया। इसी को अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं, तो अगर मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, बाउंड हो रहा है, मतलब बंध रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है किसी चीज़ से, तो स्टेबल कंडीशन है। स्ट्रेट जा रहा है आपके एक्सिस से, न्यूट्रल कंडीशन है। और अगर आपके एक्सिस से भाग ही गया, पता नहीं कहाँ इन्फिनिटी पे चला गया, देन दैट्स कॉल्ड अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, ठीक है।
अब इस चीज को चेक कैसे किया जाए कि आपका सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, या मार्जिनली स्टेबल है, या क्रिटिकली स्टेबल है? तो ये चीजों को चेक करने के लिए अब हम आगे वाली स्लाइड्स पे देखते हैं कि इन चीजों को कैसे चेक किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज है, स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम होता क्या है। उससे पहले जानने के लिए एक टाइम रेस्पॉन्स आपने क्या पढ़ा था, टाइम रेस्पॉन्स का मतलब था नेचुरल रेस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, नेचुरल रेस्पॉन्स जो था वो आपके सिस्टम के जो पोल्स थे, मतलब जो भी सिस्टम आपने लिया था, सिस्टम के पोल्स का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको क्या कर दोगे आप, जीरो पुट कर दोगे। और जब आप इसको जीरो पुट करोगे तो जो एस की वैल्यूज आएंगी वो पोल्स कहलाएंगे, तो नेचुरल रेस्पॉन्स हुआ। स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स आपका होता है इनपुट पोल की वजह से, जो भी आपने इनपुट दिया है उसके क्या पोल्स हैं, और माइनस में एरर, जो भी स्टडी स्टेट एरर या जो भी आपने एरर निकाले दैट्स, उस एरर को माइनस कर दोगे तो रिस्पॉन्स क्या है। डेफिनेशंस की बात करते हैं, अगर आपका सिस्टम स्टेबल क्या होता है, सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब वो क्या होगा, बाउंडेड कंडीशन के अंदर होगा, मतलब ऐसा सिग्नल जो बाउंडेड कंडीशन में आ रहा है दैट्स कॉल्ड स्टेबल सिस्टम। ठीक है, अगर इसको अदर लैंग्वेज में समझना चाहें तो यहां से और में जो मैंने लिखा, अ सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल इफ यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स आर नेचुरल न्यूट्रल, नेचुरल रेस्पॉन्स मीन्स जीरो एट स्टडी स्टेट। अगर स्टडी स्टेट वैल्यू लगा रहे हैं और उसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो हमारा सिस्टम क्या कहला जाएगा, स्टेबल कहला जाएगा। ठीक है, या दूसरी लैंग्वेज में ऐसे समझें, जब मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको स्टेबल सिस्टम कैसे बोला कि जैसे ये वाला सिस्टम, मैंने ये इस सिस्टम को मैंने स्टेबल, तो यहाँ पे आपका टाइम कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ अगर इन्फिनिटी तक जाते जाते अगर आपका आउटपुट खत्म हो जाए, ये नीचे जा रहा है ना, धीरे 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 क्या होगा, ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा, इस एक्सिस के अंदर ही जा करके मिल जाएगा। तो अगर टाइम मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है और मेरा जो ग्राफ है वो क्या हो जाए, उसका आउटपुट धीरे धीरे क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए, तो क्या बोलोगे, सिस्टम क्या है, स्टेबल है। ये क्लियर हो गया स्टेबल सिस्टम की दो तीन डेफिनेशन, क्लियर है? यस सर। ठीक है, सिमिलरली अगर अनस्टेबल सिस्टम की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका अनबाउंडेड, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा कि इसका आउटपुट जो है एंड एट ऑफ द एंड, जब आपका टाइम इन्फिनिटी पे कहाँ पहुंच जाए, पता ही नहीं कहाँ पहुंच जाए, इन्फिनिटी के ऊपर चला जाए, तो उसको आप अनस्टेबल बोलोगे दूसरे लैंग्वेज में। और अ सिस्टम इज सेट टू बी अनस्टेबल इफ इनपुट इंपल्स रेस्पॉन्स इज इनफाइनाइट एट स्टडी स्टेट। यहाँ पर स्टडी स्टेट पे क्या वैल्यू दे रहा था, जीरो, यहाँ पर क्या वैल्यू दे देगा, इन्फिनिटी। लाइक ये वाला ग्राफ, ये कहाँ जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है ये, तो ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर, क्लियर है? ठीक है, अनस्टेबल सिस्टम के लिए ये लाइनें लिखी हुई हैं, फॉर अ बाउंडेड इनपुट इट प्रोड्यूस अनबाउंडेड आउटपुट। मतलब आपने इनपुट तो बाउंडेड दिया था, बंधा हुआ इनपुट दिया था, लेकिन इसने अनबाउंडेड आउटपुट दे दिया, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है हमारे को, तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट मे नॉट रिटर्न टू जीरो। आपका कभी आउटपुट रिटर्न टू जीरो हो जाएगा क्या अनबाउंडेड सिस्टम, या फिर बोले अनस्टेबल सिस्टम में, ये वाला कभी रिटर्न टू जीरो होगा, ये वाला पार्ट कभी भी नहीं होगा, ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन लैंग्वेज है आपकी, स्टेबल इनपुट, अनस्टेबल इनपुट, सॉरी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये सिर्फ अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अभी इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे अपन, जो काफ़ी अच्छे लगेंगे हमें। तो सामने कुछ स्टेबल रेस्पॉन्सेज आपको दिखाए गए हैं ग्राफ के थ्रू, तो ये देखिए यहाँ से चालू होता है और ये स्टडी स्टेट आउटपुट है, यहाँ जा करके मिल जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, स्टेबल सिस्टम हो गया। सेकेंड आपका ऐसे स्टार्ट होता था और कहीं ना कहीं जा करके ये इस लाइन में मैच हो जाता था, ये भी क्या हो गया, स्टेबल सिस्टम हो गया। दोनों ग्राफ क्लियर? यस यस, दोनों ग्राफ क्लियर है ना। एक सेकंड, कोई आया था उसको एडमिट कर लिया अपन। दीपक, इसके बाद अनकंट्रोलेबल रेस्पॉन्स की थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे दिखते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है आपका कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे पहुँच गया, पहुँच रहा है ना, यस सर, अनकंट्रोलेबल है। सेकेंड वाला भी बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ चला जाएगा, अनस्टेबल है। ग्राफ से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी रहे कि कौन स्टेबल होता है, कौन अनस्टेबल होता है। बाउंडेड,
इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी क्या होती है, आपने इनपुट बाउंडेड दिया आपका आउटपुट भी बाउंडेड आ जाए, बाउंडेड इन द सेंस कि ये स्टेडी स्टेट है, ये बंद गया बाउंडेड है, तो ये यहाँ पे जाके टच हो गया, ये बाउंडेड है। अगर ग्राफ मेरा ऐसा है, ये बाउंडेड है, ठीक है, ग्राफ मेरा ऐसा है, इस तरीके का बाउंडेड है, ठीक है, ये सब हमारा बाउंडेड हो गया, क्लियर। रिलैक्स सिस्टम क्या होता है, जिसकी इनिशियल कंडीशन जीरो हो, रिलैक्स कंडीशन सिस्टम कहलाता है, क्लियर। क्रिटिकली और मार्जिनली स्टेबल क्या होता है, सपोज ये आपकी स्टडी स्टेट वाली लाइन है, तो इस तरीके से चलता रहे इक्वल में, एकदम इक्वल में, क्रिटिकली और मार्जिनली स्टेबल है, या फिर इसको हम डैम्ड सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि डैम्पिंग चल रही है, हमेशा चल रही है, क्लियर, क्लियर है। यस सर। घड़ी का जो पेंडुलम होता है ना, एक नेक्स्ट वाला क्या बताया था सर, कौन सा बेटा, ये थर्ड वाला बता रहा हूँ, क्रिटिकली और मार्जिनली, नहीं रिलैक्स वाला क्या बताया था, जिसकी इनिशियल कंडीशन जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, सारे रिलैक्स होते हैं ना जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। कंडीशनली स्टेबल नाम से ही पता चल रहा है, कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें स्टेबल हो, उसके बाद अगर वो ऐसी कंडीशन हट जाए तो अनस्टेबल हो जाए, कंडीशनली स्टेबल हो गया, नाम से पता चल रहा ना, जीरो इनपुट स्टेबिलिटी, ये क्या होता है, इफ द जीरो इनपुट रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम सब्जेक्टेड टू फाइनाइट इनिशियल कंडीशन, मतलब उसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो कुछ है, जैसे थोड़ा सा लेट चालू हो रहे थे ग्राफ हमारे, इस तरीके से चालू हो रहे थे, ठीक है, तो उसकी इनिशियल कंडीशन कुछ है, ठीक है, और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जीरो दे दें, जीरो इनपुट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी है तो ये तो इन्फिनिटी पे तो जीरो देगा ही देगा, बाउंडेड रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ और दिख रहे हैं आपको क्रिटिकली स्टेबल के, मैंने आपको बताया था क्रिटिकली या मार्जिनली क्या होता है, जो ऐसे डैम्पिंग देता रहे आपको, इस तरीके से डैम्पिंग हमेशा देता रहेगा, और ये कब बनते हैं आपके, जब आपके सिस्टम क्या हो जाएं, प्योर इमेजनरी हो जाएं, क्या हो जाएं, प्योर इमेजनरी हो जाएं, इसमें कोई डाउट किसी को, किसी भी तरीके का, बेटा कोई डाउट है, नो सर, नो, ठीक है, अब चलते हैं आगे ट्रांसफर फंक्शन पे, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट होता है वाई एस और इनपुट होता है आर एस, जनरल कंडीशन में बात कर रहा हूँ, यही पढ़ी थी हमने, ठीक है। अब सपोज करो ये मैंने सब क्या लिए, कांस्टेंट वैल्यूज लिए, मतलब कोई भी एक नोटेशन लिया, इसमें ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि सर इसको बी क्यों लिया, इसको ए क्यों लिया, ऐसे ही ये बी नॉट है, बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, ऐसे बी एम तक रहेगा, ठीक है, ये बी एम तक रहेगा, एस की वैल्यू एम से, मतलब पावर एम है, एम माइनस वन है, इस तरीके से घटती जाएगी और लास्ट में एस की पावर एम माइनस एम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर वाली चीज़ हो गई आपकी न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर ए नॉट ए वन फला 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 ए एन तक है, एस की पावर एन, एन माइनस वन, एस एन माइनस वन आगे चलती रहेगी, इसी तरीके से एन माइनस एन हो जाएगी, मतलब एस की पावर जीरो हो जाएगी, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का एक जो सिस्टम रहता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन बोलता हूँ, ये किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मुझे इसी तरीके का दिखता है। अब छोटी सी बात है, जो आपका पॉलिनोमियल जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है न्यूमरेटर से या इक्वल है, तो ही ये आपका प्रॉपर सिस्टम कहलाएगा, अदरवाइज ये प्रॉपर सिस्टम, इसमें किसी को कोई डाउट है, नो सर, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो ये आपकी एस की पावर एन है ना, ये एन जो है एम से बड़ा होना चाहिए इन एवरी कंडीशन, ये एन जो है एम से या तो बड़ा होगा या जस्ट इक्वल होगा, तभी ये सिस्टम मेरा प्रॉपर कहलाएगा, अदरवाइज ये प्रॉपर सिस्टम इम्प्रॉपर सिस्टम कहला जाएगा, या फिर इसको हम बोलेंगे नॉट अ प्रॉपर सिस्टम, क्लियर हो गई दोनों चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं पोल्स और जीरोज की, अगर मैं इस वाले पार्ट को जीरो कर दूँ, ऊपर वाले पार्ट को जीरो कर दूँ, तो एस की कुछ कुछ वैल्यूज आ जाएंगी ना, एक आती है, दो आती है, तीन आती है, चार आती है, कुछ भी आती है आएंगी ना, इनको मैं क्या बोलूँगा, जीरोज बोलूँगा, क्या बोलूँगा, जीरो, क्लियर है। और अगर मैं कलर दूसरा ले लेते हैं अपन,
और अगर मैं इस वाले पार्ट को जीरो कर दूं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो कर दूं, तो यहाँ पे भी एस की कुछ कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, एक दो तीन चार जो भी आ रही है, ठीक है। ये वाले पार्ट को मैं पोल्स बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, पोल्स बोलता हूँ। इसमें किसी को डाउट है? पोल जीरो में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, जब भी मैं ग्राफ में पोल्स को रिप्रेजेंट करूंगा तो बेटा क्रॉस से करूंगा, जीरो को रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे नॉट से करूंगा, जीरो मतलब गोला बना के। क्लियर? ठीक है, ये वही लिखी हुई लाइन अपन एक्स से कर देंगे पोल्स को, जीरोस को नॉट से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल रहा हूँ, ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरीके का आपका बना हुआ रहेगा ही हमेशा। अब क्वेश्चन इसी तरीके के आने वाले हैं, इसी तरीके के, इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, थ्योरीज लिखी हुई है, आप एक एक लाइन में पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है इसमें। जो भी अपन बनाएंगे स्टेबिलिटी, जो भी चेक करेंगे, उसको अपन सिग्मा जी ओमेगा प्लेन में बनाएंगे, जिसको हम एस प्लेन बोलते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। दैट सिग्मा, दैट इज जी ओमेगा, ये आपका रियल एक्सिस है, रियल, और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, क्लियर है। अगर इस सिस्टम के इधर वाले साइड की बात की जाएगी तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड प्लेन, RHP, क्या बोलेंगे, राइट हैंड प्लेन। और इधर वाले सिस्टम की बात की जाएगी इसको हम बोलेंगे LHP, लेफ्ट हैंड प्लेन, क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड प्लेन। और ये जो ग्राफ है ये क्या है, दैट्स कॉल्ड एस प्लेन ग्राफ, क्या होता है, एस प्लेन, जिसका एक्स एक्सिस होता है सिग्मा, वाई एक्सिस होता है जी ओमेगा। ये चीज़ें हमें पहले भी पता थी, दोबारा एक बार क्लियर कर दी, क्योंकि अब हम इसी में ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपके जितने भी पोल्स हैं सारे के सारे किधर आ जाएं, लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर जाएं, सिस्टम के पोल्स, पोल्स मतलब डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो कर देना। फॉर एग्जाम्पल एस प्लस टू था, तो डिनोमिनेटर क्या है, एस प्लस टू, तो एस प्लस टू को क्या कर दो, इक्वल टू जीरो, देन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। कहाँ आता है माइनस टू, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है या नहीं आता है? अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए तो ये सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को अगर मैं एस माइनस टू कर दूँ, पोल्स क्या हो जाएंगे, एस इज इक्वल टू प्लस का टू, प्लस का टू मतलब राइट हैंड, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, ये हो जाएगा स्टेबल। क्लियर है भाई लोगों, क्लियर? जी सर। ठीक है, सेम एक और एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, देन एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर, देन एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे या आयोटा टू, कहाँ लाई करेगा, जे ओमेगा एक्सिस पे, क्या कहला जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। ये तीन चीजें हमें अच्छे से याद कर लेनी है, स्टेबल क्या है, अनस्टेबल क्या है, मार्जिनली स्टेबल क्या है। कोई डाउट आ रहा है इसमें? अभी तक जो मैंने बताया बहुत बेसिक चीजें थी आपकी, यूनिट नंबर जो भी ये यूनिट चल रही है इससे रिलेटेड, क्योंकि अब हम इसी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये थे बेसिक्स, कल की जो क्लास रहेगी उसमें अपन डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ। किसी को कोई डाउट है सर? जो आपने सिचुएशन बताया था उसमें CS अपॉन RH की वैल्यू 8/3 थी ना, 8/1/8 8/S+16 थी, 8/S+16। ओके सर, 8/S+16। सबको क्लियर है? सर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, मार्जिनली, मार्जिनली स्टेबल, लाइक कोन को आड़ा पटक दिया। अगर कोन का बड़ा वाला पार्ट या गोले वाला पार्ट उसको खड़ा करोगे तो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, आड़ा पटक दोगे तो वो लुढ़क सकता है लेकिन गिरेगा नहीं, और नोक की साइड से खड़ा करोगे तो 10 बार गिरेगा तो वो अनस्टेबल है। एक मार्जिनली स्टेबल हो, एक स्टेबल हो। देखो ये फोटो इसलिए दिखाई ताकि माइंड में क्लैरिटी रहे क्या चीज़ होती है स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली। ओके चलो बहुत बढ़िया, अब
कल जो क्लास होगी उसमें अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज वाली आपकी जो स्लाइड्स हैं आपको व्हाट्सएप पे 1 बजे के बाद 2 बजे के आसपास मिलेंगी, क्योंकि अभी ड्यूटी है, उसके बाद ही मैं आपको शेयर कर पाऊंगा।